फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम क्रोशे से वाले गोपाल जी का पटका बनाएंगे और मुकुट बनाएंगे। इस वाले ड्रेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है और इस मोर पंख का वीडियो भी मैंने अलग से अपलोड कर दिया है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, पटका हमने अलग से बनाया है और ये मुकुट भी हमने बनाया है, तो दोनों इस वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से इसको बनाया है। और ड्रेस हमने 5 नंबर गोपाल जी की बनाई है, तो पटका भी हम 5 नंबर गोपाल जी का बनाएंगे और ये मुकुट भी हम वही बनाएंगे। तो इसके साथ हमने एक ये वाली ड्रेस भी बनाई थी, तो इसके मैचिंग का अब हम पटका और मुकुट बनाएंगे। दोनों ड्रेस की पैटर्न सेम है, सिर्फ हमें इसमें हमने मोती नहीं लगाया है क्योंकि ये ड्रेस वाइट है, तो इसमें हमें ग्रीन मोती लगाने हैं। तो अभी हमारे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन जब भी हम लगाएंगे तब हम इसमें ग्रीन मोती लगा देंगे, तो इसका लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए, मोरपंख हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, तो लिंक मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इस मोरपंख के आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। देखिए, हमने इसमें इयररिंग्स भी बनाई है, बहुत ही प्यारी लगती है। तो आप जो भी चीज़ें चाहे इसमें से बना सकते हैं, या तो मुकुट में आप इसे लगा सकते हैं, गोपाल जी का मुकुट जो भी बनाते हैं आप अपने गोपाल जी के लिए इसमें भी लगा सकते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारा लगेगा। इसमें हमने ये छोटा फेदर लगाया, इसकी जगह पर आप इसे एक इस तरह से मोरपंख भी लगा सकते हैं बना करके। तो आप जैसा चाहे वैसा इसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर चाहे गोपाल जी के ड्रेस में यूँ ही सिंपल इसे रख दीजिए तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो चलो, पहले तो हम ये हमने मोरपंख तो बना करके कंप्लीट कर लिया है, वीडियो आगे डाल दिया है। तो इस तरह का एक पटका बनाएंगे और इसके ऊपर हम दोनों साइड मोरपंख लगाएंगे। देखिए, ये मैंने जो बना करके रेडी किया है वो मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह का है ये। तो इसे भी हम पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले, तो ये वाला पटका बनाएंगे हम। और इसे हमने देखिए, इस पटके के साथ हमने मोरपंख को नीडल से लगाया है। पहले दोनों बना लिया है अलग अलग, फिर हमने नीडल से इसके साथ अटैच किया है। तो चलो, इसको पहले इस वाले बेल्ट को तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम इसे नोट लगा देंगे एक, और फिर यहाँ पर हम 1, 2, 3 और 4 चेन बनाएंगे। और 4 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर 5 चेन बना लेंगे, और इसके बाद पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। 5 चेन बनाई, इसके बाद हमने स्लिप स्टिच कर दिया, और अब हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बना ली, इसके बाद लूप लेंगे और इसी के रिंग के अंदर, देखिए जो हमने 5 चेन बना करके रिंग बनाई थी, इस रिंग के अंदर डाल करके हम इस तरह से लंबा सा थोड़ा सा खींच लेंगे, फिर आगे के 2 निकाल देंगे। फिर से लूप लेंगे और इसी के अंदर डाल करके लंबा सा खींच लेंगे, और फिर से 2 निकाल देंगे। फिर से इसी तरह से करेंगे, लंबा सा खींच लेंगे, आगे के 2 निकाल देंगे। क्रोशे में हमारे 4 लूप हो जाए तब हम चारों लूप को एक साथ निकाल देंगे। और अब हमें यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 चेन बनानी है। और यहाँ देखिए, ये जो हमने चारों को एक साथ निकाल दिया, इन 4 लूप है हमारे, तो चारों लूप में हमने क्रोशिया डाल दिया है। और अब हम इसमें से निकाल करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद इसी जगह पर डाल करके हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, इसे भी हम लंबा खींच देंगे इस तरह से, डबल क्रोशिया कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर 4 चेन लेनी है, 1, 2, 3 और 4। 4 चेन लेकर के फिर से पलट देंगे इसको। देखिए, इस साइड हम वर्क करते थे, अब हमने पलट दिया। और अब हमें जहाँ पर हमने एक चेन बनाई थी इसी के अंदर डाल करके हम इस तरह से खींच करके लंबा सा डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से इसी तरह से। जब हमारे क्रोशिए में 4 लूप हो जाए तब हम एक साथ निकाल देंगे। देखिए, 4 लूप हो गए हमारे क्रोशिए में, अब हम एक साथ निकाल देंगे और फिर से यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। और इन चारों लूप को उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे, और फिर से एक चेन लेंगे। और यहाँ पर इसी जगह पर जहाँ पर हमने ये वाले 4 बनाए थे, इसी होल के अंदर डाल करके हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और फिर से यहाँ पर 4 चेन लेंगे,
और इसको पलट देंगे। और पलटने के बाद जैसे हमने पहले बनाया था इसी होल के अंदर, वैसे ही हम चार बार इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। चार लूप हो गए हमारे क्रोशिये में, फिर चारों लूप को एक साथ निकाल देंगे तो पूरी लेस हमारी इसी तरह से कंप्लीट होगी। लेकिन फिर से एक बार में पूरी पैटर्न आपको दिखा दूँ। देखिए, चार चेन ले ली, चारों लूप को उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और इसी के अंदर एक बार डबल क्रोशिया ऐसे, तो दिखने में इस तरह से लगेगा। और फिर से चार चेन लेकर के पलट देंगे, चार चेन ली फिर लेस को पलट देंगे और फिर से इसी तरह से। तो आप जितने भी नंबर्स कान्हाजी के लिए बनाना चाहते हैं, इस कान्हाजी को पहनाते जाइए और आगे बनाते जाइए, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने पाँच नंबर गोपाल जी की कितनी लेंथ रखी है वो मैं अभी आपको नाप करके दिखाती हूँ, लेकिन आप अपने गोपाल जी को नापते जाइए और आगे बनाते जाइए। एक, दो, तीन और चार, चार लेकर के पलट दिया, फिर से इसी जगह पर सेम। तो ये पटका बनाना बहुत इजी है। फिर से चार चेन और फिर से चारों लूप को उठा करके सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन और इसी के अंदर डबल क्रोशिया, फिर से एक, दो, तीन और चार, चार चेन लेकर के पलट देंगे। तो अब हमारा कंटिन्यू इसी तरह से बनेगा। जब हमारे क्रोशिये में चार लूप हो जाए तब हम इसे निकाल देंगे और फिर से चार चेन। तो दिखने में ये इस तरह से दिखेगा। देखिए, अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए, और अब हमें जब भी हमारा इसका एंड करना है, हमें इस लेस को बना करके हमने कंप्लीट कर दिया और इसके बाद जब हम एंड करेंगे तब हम इसी तरह से करेंगे। देखिए, लास्ट में हमारा ये वाला डबल क्रोशिया ही आएगा। जब भी आप बनाएंगे, पैटर्न आपकी कंप्लीट होगी तब आपका ये डबल क्रोशिया आएगा। तो इसके बाद हमें यहाँ पर तीन चेन बनानी है और यहाँ पर इसी जगह पर डाल करके स्लिप स्टिच कर देना है, फिर धागा खींच करके काट देना है। तो आपका एंड इस तरह से हो जाएगा। देखिए, तो आप ऐसे कंप्लीट कर लीजिए और इसकी लंबाई मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए, मैंने ये 9 इंच का बनाया है। 9 इंच में थोड़ा सा कम है, लेकिन आप इसे जितना भी रखना चाहते हैं इतना रख सकते हैं। तो ये हमने बना करके कंप्लीट कर दिया है। अब हम दोनों साइड इस तरह से, देखिए, थोड़ा सा इसके नीचे आ जाए, एक पेज मोरपंख के नीचे आ जाए, इतना हम इसको स्टिच कर देंगे दोनों साइड। और ये ड्रेस हमने जन्माष्टमी स्पेशल बनाया है तो इसमें मोरपंख बनाना तो बनता ही है। देखिए, इस तरह से हम दोनों को स्टिच कर देंगे। तो देखिए, पटके में हमने मोर पीच को स्टिच कर दिया है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब आपके पास जो भी मटेरियल थे इसको आप यहाँ पर बीच में लगा सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो वाइट मोती भी लगा दीजिए तो भी अच्छा लगेगा। तो ये पटका बन करके हमारा रेडी हो गया। डेकोरेट हम बाद में करेंगे। अब हम पगड़ी बनाएंगे। तो ये वाली सिंपल पगड़ी हमने बना करके रेडी कर दी है। देखिए, इस वाले ड्रेस में, इसके साथ जब हमने ये मुकुट बनाया था तो इसमें हमने बताया है इस पग को कैसे बनाते हैं, इस मुकुट को किस तरह से बनाते हैं। ये भी कॉटन के धागे से ही बनाया है हमने। तो इस ड्रेस का लिंक और इस पगड़ी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जा करके देख करके ये वाली सिंपल सी पग तैयार कर लीजिए। इसके बाद हमने जो ये पीछे वाला इसका फेदर बनाया है, देखिए ये वाला, वो बनाएंगे। तो ये बिल्कुल हमारे ड्रेस के मैच का है। देखिए, इसमें इस तरह की हमारी ये किनारी आती है तो इसमें भी हमने बनाया है। तो ये जो हमारा छोटा फेदर है वो आप नहीं बनाना चाहते और यहाँ पर आप इसकी जगह मोरपंख लगाना चाहते तो भी ये बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए मुकुट, तो इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये बड़ा वाला फेदर बना लेते हैं। तो देखिए, अब हम बड़ा वाला फेदर बनाएंगे पीछे का जो है वो। तो इसके लिए हमने वाइट कलर लिया है क्योंकि इस ड्रेस में हमारा वाइट कलर अंदर यूज़ हुआ है और बाहर हमारा ये वाला कलर है।
तो पहले हम व्हाइट कलर से बनाएंगे, फिर बाद में जो एक किनारी बनाई है वो वाली हम ये जो कस्टर्ड कलर है इससे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने क्रोशिया लिया है 2.5 mm का। इसमें फेदर बनाने के लिए हमने छोटा वाला क्रोशिया यूज़ किया था 2.0 mm का, और इसमें हम ये वाला 2.5 mm का यूज़ करेंगे। इसे भी आप फेदर को बना सकते हैं, थोड़ा सा छोटा और बड़ा बन सकता है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने मैजिक रिंग बना दी, और इसके बाद हम यहाँ से ही धागा स्टार्ट कर देंगे ऐसे। और अब हमें यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन बनानी है, और इसी रिंग के अंदर हम 9 बार और डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, इसी तरह से आप 9 बार बना लीजिए। तो देखिए हमने 9 बार बना लिया, 3 की चेन को साथ में गिन करके हमारे टोटल 10 हो गए। और अब हम इसे खींच देंगे ऐसे, और यहाँ से ही अब हमें टर्न लेना है। देखिए यहाँ पर हमने 10 बार बना लिए, इसके बाद हम 1, 2 और 3 चेन लेंगे और इसको पलट देंगे। और जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई इसी के नीचे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। देखिए यहाँ नेक्स्ट वाली चेन में हम सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे। देखिए 3 चेन हमारी यहाँ पर थी, नेक्स्ट वाली में सेम चेन में 2 बार बनाया। अब हमें एंड में एक बार एक बनाना है, बाकी हर एक चेन में 2-2 बार। देखिए इस तरह से। तो देखिए हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है, हर एक चेन में 2-2 बार बनाया है, सिर्फ शुरू में और एंड में 1-1 बार बनाया है। एक हमने यहाँ पर 3 की चेन के ऊपर भी लास्ट में 1 बार बनाया है देखिए। और अब हम फिर से यहाँ पर 3 चेन लेकर के पलट देंगे ऐसे, और यहाँ पर इसी के नीचे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाली चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। शुरू में हमने 1 बार बनाया, 3 की चेन को हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। देखिए तो 1 हो गया, अब हम नेक्स्ट में 2 बनाया, फिर से नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। अब हमें एक चेन में 1 बार बनाना है और एक चेन में 2 बार इस तरह से। और यहाँ पर बीच में आ करके आप अपने हिसाब से 3 या 4 चेन में 2-2 बना लीजिए, क्योंकि बीच में खिंचाव ज़्यादा आता है। जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं वैसे वैसे हम यहाँ पर 3 या 4 चेन में बीच में हर एक चेन में 2-2 बार बनाएंगे, एक में एक नहीं बनाएंगे, 3 या 4 चेन में हम कंटिन्यू 2-2 बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर तो हमने एक में एक बनाया था देखिए यहाँ पर, और नेक्स्ट में 2 बनाया है। अब हम यहाँ पर सेम चेन में 2 बना लेंगे, 1 बार बनाया सेम चेन में, दूसरा बनाया देखिए, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में सेम चेन में 2 बार बना देंगे ऐसे, फिर से नेक्स्ट वाली में 2 बना देंगे, 3 चेन में हम 2-2 बना देंगे। देखिए कंटिन्यू यहाँ पर हमने 3 चेन में 2-2 बना दिया। अब हम 1 बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 2, फिर से 1, फिर से 2। तो देखिए हमने 3 राउंड कंप्लीट कर दिए, और तीसरे रो में हमारे पास जो डबल क्रोशिया आए हैं वो 28 है 28। और अब हमें यहाँ पर देखिए ये जो हमने बनाया है इसके लिए हम लूप तैयार करेंगे, तो ये वाली रो बनाएंगे। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच की रो बना दी है तो यहाँ पर दिखता नहीं है, लेकिन इस तरह से हमने पहले लूप बनाए हैं, फिर इसके अंदर हमने 6-6 बार डबल क्रोशे किए हैं। तो इस तरह से हम 1, 2 और 3 चेन लेकर के पलट देंगे यहाँ से। और अब हमें एक चेन यहाँ पर स्किप कर देनी है, यहाँ इसी के ऊपर तो हमने 3 चेन बनाई, एक स्किप कर दी, और नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। यहाँ पर 3 चेन बनाने का कारण है कि पहला हमारा जो सिंगल क्रोशिया है इसके लिए हमने एक चेन बनाई थी, तो टोटल हमने 3 पहले बनाई, अब हम 2-2 बनाएंगे, एक चेन हम फिर से स्किप करेंगे और सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन बनाएंगे, एक यहाँ पर नीचे एक ही स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, एक स्किप करेंगे नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए हमारे छोटे छोटे लूप बनते जाएंगे, देखिए ऐसे ऐसे हमारे 13 लूप आएंगे। तो इसी तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए हमने लूप बना लिए, हमारे 13 लूप आएंगे, और आखिरी में हमने 2 छोड़कर तीसरी में ज्वाइंट कर दिया। देखिए यहाँ पर हमने बीच में 2 छोड़ दिए हैं,
और अब फिर से हम एक चेन लेकर के पलट देंगे। और पहले वाले हॉल में देखिए यहाँ पर जो हमारा लूप बना है इसमें हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे और फिर लूप लेकर के नेक्स्ट वाले हॉल में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो सेम प्लेस पर बनाते हैं हम, तीन चार पाँच और ये छः बार हमने डबल क्रोशिया किया एक ही लूप में। और फिर से नेक्स्ट वाला लूप उठाएंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से नेक्स्ट वाले लूप में छः बार डबल क्रोशिया, एक लूप में एक बार सिंगल क्रोशिया और एक लूप में छः बार डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट होगा। चार पाँच और ये छः और अब नेक्स्ट वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से रो कंप्लीट कर दीजिए, एक में छः और एक में सिंगल क्रोशिया, बीच में हमने कहीं पर भी चेन नहीं ली है। तो देखिए हमने कंप्लीट कर दिया, आखिरी में हमारा सिंगल क्रोशिया आया और शुरू में भी हमारा सिंगल क्रोशिया आया था। और इस तरह के हमारे पास छः छः बार वाले छः आएंगे, ये हमने जो एक ही लूप में छः बार डबल क्रोशिया किया था वो। अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागे को खींच करके काट देंगे और अब यहाँ से हमें कलर चेंज करना है। देखिए हमारा धागा हमने इस साइड से काटा था लेकिन स्टार्ट हम इस वाली साइड से करेंगे, ये हमारी राइट साइड रहेगी। अब तो यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं से ही हम धागा स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इस तरह से। फिर से एक बार नीचे से जहाँ पर हमने स्टार्ट किया है वहीं से डाल करके हम लंबा वाला सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे इस तरह से। और अब हमें ये जो हमने छः छः बनाए थे इसका जो पहला वाला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हम यहाँ पर तीन चेन लेंगे और इसी के ऊपर दो लूप उठा करके स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। और अब नेक्स्ट वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से तीन चेन बनाएंगे, एक दो और तीन, और फिर से इसी तरह से दो लूप उठा करके स्लिप स्टिच कर देंगे। दो बार बना दिया, अब तीसरी वाली चेन में डाल करके फिर से सिंगल क्रोशिया। और यहाँ पर हमने दोनों के ऊपर तीन तीन चेन बनाई थी, यहाँ पर हम चार बार चेन बनाएंगे, तीन और चार। यहाँ पर हम बीच वाले में एक चेन ज़्यादा बनाएंगे, फिर से इसको भी इसी तरह से जॉइंट कर देंगे और नेक्स्ट वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया, एक दो और तीन, जैसे हमने आगे जोड़ा था वैसे ही हम इसको बना देंगे ऐसे। फिर से नेक्स्ट में फिर से तीन चेन, एक दो और तीन, और इसको भी इसी तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर देखिए पांच बार हमने इसके ऊपर बना दिया, दो इस साइड दो इस साइड, बीच में हमने चार चेन वाला। तो अब हमें यहाँ पर एक हमारी चेन है अभी लेकिन इसके ऊपर हम नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसी के नीचे जो डबल क्रोशिया वाली चेन दिखाई देती है सीधा हम इसमें क्रोशे को डालेंगे और लंबा सा स्टिच लेकर के आएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ कर देंगे। और अब हमें फिर से पहला जो हमारा डबल क्रोशे की चेन है इसमें डाल करके हम फिर से तीन चेन बना देंगे और इसी के दो लूप उठा करके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से नेक्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर से तीन चेन, फिर से जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। तो दो बार हो गया, अब इसके ऊपर हम चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन और चार, दो बार इस साइड बन जाए इसके बाद तीसरे वाले में हम चार चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ पर भी स्लिप स्टिच और फिर से नेक्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया, जैसे हमने वो वाला बनाया था इसी तरह से। लेकिन यहाँ पर हमारी तीन चेन है तो तीन बार नहीं बनाएंगे, हम दो बार ही बनाएंगे। देखिए तीन चेन बना दी, इसी के ऊपर हम
सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए फिर से इस साइड भी दो बार बना दिया और इस साइड भी दो, और बीच में हमने चार चेन वाला, एक चेन हमारी यहाँ पर है डबल क्रोशे की, लेकिन इसके ऊपर हम नहीं बनाएंगे, बस स्किप कर देंगे, वो दिखेगी भी नहीं हमारी। और यहाँ पर नीचे देखिए सिंगल क्रोशा बनाया था, इसी के नीचे जो आखिरी डबल क्रोशे की रो थी, इस वाले डबल क्रोशे की चेन को उठा करके इस तरह से हम सिंगल क्रोशा बना देंगे। तो इसी तरह से हम सारी पत्ती कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर आखिरी तक ये बना लिया, फिर से आखिरी वाले के ऊपर भी पांच बार बना दिया। अब हम यहाँ पर देखिए ये जो हमारा स्टिच दिखाई देता है इसके ऊपर एक बार सिंगल क्रोशा बना देंगे। ये जो हमने सिंगल क्रोशा बनाया था वो ही है हमारा। और फिर से इसके बाद एक नीचे से लेकर के थोड़ा सा लंबा लेकर के स्टिच कर देंगे ऐसे। इस तरह से हमने फिर से एक बार सिंगल क्रोशा बना दिया। अब हम एक चेन लेकर के यहाँ से धागा काट देंगे ऐसे, और अब हम इन दोनों धागों के पीछे नॉट लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो हमने आउटलाइन की है वो हम इसी धागे से फिर से, राइट साइड हमारी इस साइड है तो यहाँ से लेकर के फिर से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने ड्रेस में बनाया था स्लिप स्टिच से, ये जो डबल क्रोशे की हमारी आखिरी रो है इसका पहला जो है इसमें से हमने क्रोशे को डाल करके नेक्स्ट वाले में डालेंगे, और इस तरह से नीचे से ले जा करके नेक्स्ट वाली चेन में डालते जाएंगे, और इस तरह से स्लिप स्टिच करते जाएंगे देखिए ऐसे। और स्लिप स्टिच हमें बहुत ही ढीले हाथ से करनी है, क्योंकि टाइट करेंगे तो इस फेदर में खिंचाव आएगा ऐसे। आगे आगे एक एक चेन डालते जाएंगे और इस तरह से करते जाएंगे। तो इसी तरह से रो कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे स्लिप स्टिच की रो कंप्लीट हो गई। धागा खींच करके थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और फिर काट देंगे। अब हम इन सभी धागे की पीछे की ओर नॉट लगा देंगे। देखिए बड़ा वाला फेदर बना करके रेडी कर दिया है, और आप छोटे वाले की जगह ये वाला मोर पंख लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं, और अगर आप ये छोटा वाला बनाना चाहे तो किस तरह से बना सकते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम धागे को स्टार्ट करेंगे और इसके लिए मैजिक रिंग बना देंगे। जैसे हमने बीच में से यहाँ से इसको स्टार्ट किया था वैसे ही हम सेम तरीके से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ऐसे करके, एक दो और तीन चेन बना देंगे, और इसी मैजिक रिंग के अंदर हम डबल क्रोशा बनाएंगे 11 बार। तीन की चेन को साथ मिला करके हमारे 12 बार हो जाएंगे। इसी तरह से आप 12 बार बना लीजिए। तो देखिए 12 बार हमने बना लिया। इसके बाद हम इसको खींच देंगे, इस तरह से हमने टाइट कर दिया। और अब हमें यहाँ पर से इस धागे की एक चेन लेकर के धागे को यहाँ से काट देना है, और यहाँ से अब हम देखिए इस साइड से ये वाली छोटी फ्रिल बनाना स्टार्ट करेंगे इस वाली साइड से। तो यहाँ पर से हम ये वाइट वाला धागा स्टार्ट कर देंगे, इसमें नॉट लगा देंगे, और यहाँ पर से हम देखिए तीन की चेन में नहीं डाला है, डबल क्रोशे की जो पहली चेन है इसमें हमने क्रोशे को डाला है, और यहीं से ही धागे को स्टार्ट कर देंगे वाइट धागे को। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे, और फिर हम यहाँ पर तीन चेन बना देंगे, और इसी के दो लूप उठा करके स्लिप स्टिच कर देंगे, और फिर नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशा, और फिर से यहाँ पर तीन चेन बना देंगे, और फिर से इसी के ऊपर जॉइंट कर देंगे। जैसे हमने बड़े वाले फेदर में किया था इसी तरह से हम करेंगे फिर से नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर। तो इसी तरह से हमें हर एक चेन में एक एक बार बना लेना है। देखिए तीन चेन इसी के ऊपर डाल करके, सॉरी यहाँ पर से दो लूप उठा करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है ऐसे, फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से आप पूरी रो को कंप्लीट कर दीजिए और ये छोटा वाला हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मोर पंख लगाएंगे, तो इसे हमें कंप्लीट नहीं करना है, लेकिन इस तरह से ये बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा धागा था हमने इसमें ये वाली जो पगड़ी जॉइंट की थी वही धागा हमने यहीं पर से काटा नहीं है, यहीं पर से हमारा स्टार्ट है। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पर इसे लगा देंगे, नीडल की मदद से यहाँ पर हम इसे लगा देंगे। और इसमें हमें मोती लगाना है तो पहले ही आप स्टिच कर दीजिए, लेकिन मुझे इसमें ग्रीन मोती लगाने हैं, और फिलहाल मेरे पास ग्रीन मोती है नहीं,
तो मैं जब भी लाऊंगी तब हम इसमें ग्रीन मोती लगा देंगे। तो अभी हम इस वक्त इसे इस तरह से निडल की मदद से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए हम इस मोर पंख को यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। इसे भी हम निडल की मदद से ही यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो देखिए हमने ये फेदर लगा दिया है और पूरा नहीं स्टिच किया है, बीच में से थोड़ा सा ही स्टिच किया है। देखिए वहाँ यहाँ से ये सारा खुला हुआ है और यहाँ पर बीच में हमने एक मोर पंख लगा दिया है। हमारे पास चिपकाने वाला था ये, और ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा किसी भी मटेरियल्स के शॉप पे। तो इस तरह का हमने लगा दिया है और आप बहुत सारी तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने अपनी चैनल पे बहुत सारा मुकुट पहले भी बना करके अपलोड किया है। देखिए इस तरह से आप लटकन बना सकते हैं, मटेरियल्स वगैरह जो भी यहाँ पर चिपकाना चाहे वो भी लगा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस ड्रेस को भी मैं आपको पूरी कम्प्लीट पहना करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने गोपाल जी को पूरी ड्रेस पहना दी है, ये बहुत ही प्यारी लगती है देखिए। और पटका आप अपने हिसाब से जैसे रखना चाहे वैसे रख सकते हैं। इसी तरह से दोनों साइड से शोल्डर पर भी रख सकते हैं, देखिए आप ऐसे, और यहाँ पर एक साइड आप नीचे भी रख सकते हैं इस तरह से, और एक आप शोल्डर पर रख दीजिए। तो आप जैसे भी पटका पहनाते हैं वैसे रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।